उत्तम श्री राम का, जो पुरुषों में उत्तम थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना पुरुषों में उत्तम है, जो अपनी पत्नी को भटकने के लिए छोड़ दिए, और ये अपने पत्नी को छोड़ के और ऐसा हाथ, ऐसे लोग हाथ लगाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम जी का करेंगे, श्री राम जी का, कितना बेइज्जत महसूस होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा, जो पुरुष खुद ही मर्यादा में नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये बोल हमारे नहीं है, ये बोल आरजेडी के विधायक के हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। इसको लेकर राजनीति भी शुरू है। एक तरफ जहां आरजेडी के विधायक ने कहा है कि पहले ही हमारे ग्रंथों में कह दिया गया है कि एक वक्त आएगा जब कलयुग आएगा, भटयुग आएगा, और आप देख सकते हैं कि ये भटयुग का ही दौर चल रहा है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है बन बन और जन जन भटकने के लिए। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि रामलला की अगर मंदिर बनी है तो यहां पर ये जो मंदिर बना है वो नरेंद्र मोदी ने अपने घर से पैसे लगाकर नहीं बना है, ये हमारा राम मंदिर है, ये हमने बनाया है, ये हमारे टैक्सों का पैसा है। अगर कल को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हजारों की हुजूम की भीड़ लगेगी और कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा तो ये कोई दोहरी बात नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी जी कह देंगे पाकिस्तान से कोई आया बम ब्लास्ट करके चला जाएगा, और ये करवाएंगे भी तो वो खुद ही करवाएंगे। ये विवादित बयान आरजेडी के विधायक की तरफ से बोले गए हैं। किसने बोला है और क्या कुछ बोला है, चलिए हम आपको बताते। राजद विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक में अपने निवास पर रविवार को आयोजित की, और इस बैठक में राजद विधायक अजय यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखा हमला बोला है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी निजी जिंदगी को लेकर कटाक्ष किया है और लगातार नारा लगाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करेंगे विधायक, यही नहीं रुके, कहा कि जब कलयुग और भटयुग होने जा रहा है। आरजेडी विधायक ने पुरुषोत्तम श्रीराम जो पुरुष में उत्तम थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए धरती से सबसे बलवान और विद्वान रावण से युद्ध किया, जबकि नरेंद्र मोदी अपने जीवन के इस समय पे राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और अपनी पत्नी को वो भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनके पूरी बात। और वो नारा लगा रहे हैं और वो उद्घाटन करेंगे और उसको प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो पुरुषों में उत्तम थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना पुरुषों में उत्तम है, जो अपनी पत्नी को भटकने के लिए छोड़ दिए, वो अपने पत्नी के लिए युद्ध किए, जो रावण पूरे धरती का सबसे विद्वान सबसे बलवान व्यक्ति था उससे युद्ध किए, और ये अपने पत्नी को छोड़ के और ऐसा हाथ, ऐसे लोग हाथ लगाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम जी का करेंगे, श्री राम जी का, कितना बेइज्जत महसूस होता है। और ये बेइज्जती सिर्फ हमको महसूस नहीं होती है, ये समझने की चीज है। हमारे जो शंकराचार्य, हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला कि जो बीवी को छोड़ दिए हैं अब वो श्री राम मन पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम लोग बैठ के ताली मारेंगे खड़ा होकर। तो ये केवल, और ना सिर्फ केवल, ये केवल राजनीति है। हम ये नहीं बोल, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जो पुरुषों में उत्तम थे श्री राम जी। ये बोलते हैं कि हम चाय बेचने वाले थे, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 हजार करोड़ के एरोप्लेन से विदेशी यात्रा पर रहते हैं, तो हम लोग को संभलना पड़ेगा। जितने बड़े बड़गुआ लोग थे उनको बढ़ाने का काम किए, कोरोना में हम लोग नीचे गए, हम लोग को बंद कर दिया गया। पैसा, इनकम टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसा आपने राम मंदिर में लगवा के भाई लूट रहे हैं,
हमने राम मंदिर बना दिया था, आपके घर से आया था पिछवा, आप घर से तो आपके बड़े भाई बोले कि सब सामान लेके भाग गए थे, तो सब सामान घर से लेके भाग गए थे, तो वो एक पिछवा से कहा बना दिया राम मंदिर, कि हम ही लोग का एक टैक्स जो लगता है वही पैसा से आप खर्चा करके बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। हम लोग भी सनातन धर्म के हैं, हम लोग भी देवी देवता के मानते हैं, हम लोग सारे साल हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग अलग हो गए। भाजपा में जो गया, जो गंगा जी नहा लिया, एकदम पवित्र हो गया, अब भाजपा से जो